सो ये बॉक्स का को मतलब व्हाट टू डू एंड हाउ टू स्टार्ट राइट देखो फ्रेंड ये छोटा सा बॉक्स है ये दिखने को ये बॉक्स है और इसके अंदर एक पेन ड्राइव है लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज है अगर तुम इसे करोगे तो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कैसे वो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूँ इसमें तीन कोर्सेज हैं एक है रीराइट योर लाइफ स्टोरी एक है एनलाइटन योर इनर लाइट और एक है पर्सनल डिस्कवरी ये तीनों कोर्स मैंने ऑनलाइन बनाए हैं कैसे बनाए जो चीज़ें मैं अपनी पर्सनल लाइफ में करता हूँ जिन लाइफ फिलॉसफी को जिन साइंसेस को मैं फॉलो करता हूँ उसको मैंने कोर्स फॉर्म में बना दिया है पहला कोर्स सबसे पहले करना है वो है रीराइट योर लाइफ स्टोरी क्या है ये कोर्स सुनिए हम अपने पूरे जीवन को पूरी लाइफ को केवल एक चीज से ही चलाते हैं वो क्या है थॉट्स यानी माइंड के द्वारा ही पूरी लाइफ चल रही है जितने भी डिसीजंस हैं आपके उसी से आपकी लाइफ जितने भी आप एक्शन लेते हो जितने भी डिसीजंस लेते हो उसी से लाइफ में क्या होगा पता चलता है लेकिन ये डिसीजंस और एक्शन कौन लेता है आपका माइंड जितना भी टेंशन आता है तनाव आता है वो किस वजह से आता है माइंड जब परेशान होता है जितने भी फेलियर्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं जो डिसीजंस आपने लिए जब वो सही साबित नहीं होते तो फिर माइंड का रोल आ गया जितने भी रिलेशनशिप ब्रेकअप होते हैं वो भी माइंड की वजह से ही होते हैं क्यों क्योंकि उसका माइंडसेट कुछ और था और आपका माइंडसेट कुछ और था यानी पर्सनैलिटी सक्सेस भी जहां मिलती है रिलेशनशिप में वो भी माइंड की वजह से मिलती है क्योंकि आपने अपने माइंड को और उसके माइंड को समझ के दोनों के बीच में मैचिंग कर लिया तो अच्छा रिलेशनशिप चल गया बिजनेस में या कैरियर में सक्सेस कैसे मिलती है कि आपने सही डिसीजंस लिए अपने माइंड को समझा सही डिसीजन लिया बिजनेस सक्सेस हो गया फेलियर भी वैसे ही मिलता है सक्सेस भी वैसे ही मिलती है अगर मैं एक लाइन में कहूं हमारे जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो सब माइंड की वजह से है हमारे जितने भी सफलता असफलता है वो भी माइंड की वजह से है जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर हैं दोनों माइंड की वजह से हैं समझ रहे हैं इतनी बातें तो हर कोई समझता है लेकिन बहुत सारी बीमारियों का कारण भी मन है इस बात को लोग नहीं मानते ये भी मैं आपको बता दूं साइकोसोमेटिक डिजीज बहुत सारे हैबिट जो हम छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पाते हैं वो भी माइंड की वजह से हैं बहुत सारे हैबिट्स जो हम बना चुके हैं अच्छी हैं वो भी माइंड की वजह से ही बनाई रिपीटेशन के द्वारा तो यानी कि हर चीज अगर मैं कहूं तो ये माइंड है और आसपास जो हम चीजों को मैनेज करना चाहते हैं हम चाहते हैं लाइफ मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट से पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है पीपल मैनेजमेंट हम एक बार अपने आप को तो मैनेज कर लेते हैं लेकिन आसपास के लोगों को मैनेज नहीं कर पाते कारण क्योंकि वो एक मुंडी है और मुंडी के अंदर एक माइंड है फिर वहीं पे माइंड की बात आती है तो ये सारी जो प्रॉब्लम जड़ है ना जो वो माइंड है और माइंड के साथ प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हमें बचपन से माइंड की साइंस पढ़ाई नहीं गई अगर आपको मैथमेटिक पढ़ाया नहीं गया होता सोच के देखो बचपन से मैथमेटिक आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया होता तो आप बिजनेस में क्या सक्सेस पा पाते बल्कि और परेशान हो जाते ना क्यों क्योंकि बिजनेस में डेली कैलकुलेशन करना पड़ता और कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक की जरूरत थी मैथमेटिक आपको पढ़ाया नहीं गया अगर आज आपको आर्मी में भेज दिया जाए बॉर्डर पर और लड़ने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा लहूलुहान होकर वापस आओगे ना क्यों क्योंकि तुम्हें लड़ना तो सिखाया गया ही नहीं है स्टेन गन चलाना तो इसी प्रकार से ये लाइफ का जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध में हम माइंड के द्वारा लड़ते हैं माइंड के द्वारा जीतते हैं माइंड के द्वारा हारते हैं लेकिन माइंड को चलाना सिखाया ही नहीं गया सबसे बड़ा बस यही क्रक्स है और जो लोगों ने माइंड चलाना सीख लिया है माइंड को समझ लिया है वो लोग सक्सेसफुल भी है क्लियर अब ये बात जब मुझे समझ में आई ना जब मुझे स्ट्रेस आया और मेरे को समझ में आया कि इस लाइफ में अगर मुझे शांति चाहिए मुझे सक्सेस चाहिए हेल्थ चाहिए पहले मुझे माइंड को समझना होगा तो मैंने देखा कि दो साइंस है माइंड को समझने की एक है साइकोलॉजी और एक है साइकेट्री ठीक है मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा और साइकेट्री को पढ़ा लेकिन दोनों को पढ़ने के बाद भी मेरे को समझ में आया कि नहीं साइकेट्री मतलब बात करती है कि माइंड में जब प्रॉब्लम आ जाती है ना जैसे डिप्रेशन जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे पागलपन सिज़ोफ्रेनिया उसको कैसे ठीक करना है दवाइयों के द्वारा ये साइकेट्री है और साइकोलॉजी क्या है साइकोलॉजी बताती है कि जो बिहेवियर है ह्यूमन के वो कैसे होते हैं मतलब जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं उसके पीछे मन कैसे काम करता है
लेकिन मन को कंट्रोल कैसे करा जाए ये साइकोलॉजी नहीं बताता। तो साइकोलॉजी मन को समझने का एक अच्छा विज्ञान है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल नहीं उतारा जा सकता। एक साइंस जो मैंने पढ़ी और जिससे मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया वो था NLP। ये NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन एंड माइंड, L मतलब लिंग्विस्टिक जो भी हम बोलते हैं, P मतलब प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग मतलब इनकी जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है जैसी जिंदगी चल रही है, तो आपको NLP की मदद लगेगी। ये NLP है साइंस ऑफ बदलाव, साइंस ऑफ चेंज। जब आप ये समझोगे कि ब्रेन और माइंड कैसे काम करते हैं, हमारे एक्शंस, बिहेवियर, डिसीजंस कैसे चलते हैं, ये ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस क्या होता है, हमारी हैबिट कैसे बनती है, हमारा रिसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, हमारी लैंग्वेज कैसे बनती है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, दूसरों की पर्सनैलिटी कैसे होती है, दूसरों को कन्विंस कैसे कराया जाए, दूसरों के झांसे में आने से कैसे बचा जाए, तो ये सारी बातें NLP सिखाता है प्रैक्टिकल। तो मैंने इस कोर्स को इस तरीके से बनाया, ये जो रीराइट योर लाइफ स्टोरी है, कि पहले आप माइंड के जो बेसिक साइंस है उसे समझ लें, ठीक है। तो मैंने इसमें NLP पूरा समझा दिया आपको कि माइंड कैसे काम करता है, क्या होता है, लेकिन समझने के साथ साथ अब उस समझ के आपको उसे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है। कि पहले मुझे अपने आप को समझदार बनाना है, दूसरा मैं दूसरों के माइंड को समझ सकूं कि वो कैसे मेरे साथ गेम खेलते हैं, कैसे मुझे मैन्युपुलेट करते हैं और उनके झांसे में ना आऊं। ये साइंस हिप्नोटिक लैंग्वेज ये इसमें सिखाई गई है, मेटा प्रोग्राम्स, कि मेरे कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसकी वजह से मेरी हैबिट बन जाती है और दूसरों के कैसे प्रोग्राम बनते हैं, मेटा मॉडल कि दूसरों की हिप्नोटिक लैंग्वेज को मैं कैसे ब्रेक करूं, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो एक तरफ ये आपकी NLP की साइंस सिखाता है, दूसरी तरफ आपको अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने में मदद करता है, मेरे को मेरी लाइफ कैसे मेरी डायरेक्शन में चलानी है। तो उसका पूरा खाका, पूरा आउटलेट, पूरा एक आउटलाइन वर्कशीट के साथ मैंने इसमें बना के रखा है, ठीक है। दो चीजें हो जाएंगी, तीसरा फिर जब लोग आप जिन लोगों से आप सारा दिन घिरे रहते हो उनको कैसे मैनेज करना है, पीपल मैनेजमेंट, वो भी इसका एक बड़ा पार्ट। और जब ये तीनों चीजें आप कर लेते हो ना, खुद को मैनेज करना, फिर अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देना, और तीसरा फिर आसपास के लोगों को मैनेज करना सीख जाते हो, तो ऑलमोस्ट लाइफ की 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो पहला कोर्स आपको ये करना है। दूसरा है कि जो माइंड और बॉडी, इन दोनों के बीच का कनेक्शन कहाँ मिसिंग है, वो मिसिंग है नाड़ी और चक्रों के द्वारा, जिसको मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस नहीं समझ पा रही है। कि माइंड के इमोशंस हमारी एनर्जी को कैसे कम कर देते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज कैसे ले आते हैं, या हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं, या हमारी लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स कैसे आ जाते हैं। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स बेस्ड साइंस है चक्र विज्ञान, उसको क्वांटम फिजिक्स के साथ जोड़ के मैंने पढ़ाया है, ये है एनलाइटन योर इनर लाइट। 7 लाइट आपके अंदर होती है जो दुनिया की चकाचौंध में धुंधली पड़ जाती है, डिम हो जाती है। इन्हें कैसे वापस एक्टिवेट करना है, ये हीलिंग की साइंस है, ये मेडिटेशन की साइंस है, ये चक्र विज्ञान की साइंस है, ये पूरा साइंस इसमें दिया हुआ है। पहले आपको रीराइट योर लाइफ स्टोरी करना है, फिर आपको ये दूसरा कोर्स करना है, और तीसरा कोर्स है पर्सनल ऑडिट। पर्सनल ऑडिट मतलब जैसे अपन एक बिजनेस का ऑडिट लेते हैं ना, ऐसे ही आपको अपना ऑडिट लेना होता है। बहुत सारे आपके अंदर प्लस हैं, बहुत सारे माइनस हैं, और ज्यादातर हम अपना ध्यान माइनस पे रखते हैं, मैंने क्या खोया, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। और जब भी आप अपना ध्यान माइनस की तरफ लेके जाओगे, स्ट्रेस आएगा। कमियां 1,00,000 हैं और शक्तियां या अच्छी चीजें 10-12 हैं। 1,00,000 चीजों को ठीक करने लगोगे तो शायद 6-7 जन्म लेने पड़ेंगे, और जो 10-12 चीजें हैं उसको डेवलप करोगे तो शायद 2-3 सालों में डेवलप हो जाएंगे। तो ये आपको चेंज करता है, पहले आपको ये समझाता है हु यू आर, कि पर्सनैलिटी कैसी है, क्या क्या चीज़ें आपको अपने बारे में नहीं पता है, फिर पता होने के बाद उसमें से अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करके लाइफ को एक डायरेक्शन कैसे देनी है। तो ये तीन कोर्स आपको करने हैं 1x1, और बीच बीच में आप ये कोर्स करते हुए मेरे साथ व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। और इसी दौरान सारी चीज़ें करिए, वर्कशीट को फुलफिल कीजिए, ऑडियो एक्सरसाइज सुनिए, नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए, और बीच बीच में मेरे साथ 1-to-1 हम प्लान कर लेंगे जब जब आपको जरूरत होगी, ठीक है। इस वे में इस बॉक्स का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्लियर।